भारत में कभी भी अगर गुरु और शिष्य की परंपराओं की बात की जाएगी तो रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद की बात जरूर होगी। अगर स्वामी विवेकानंद में विलक्षण प्रतिभा थी तो रामकृष्ण परमहंस में आकर्षण की शक्ति थी, और इसीलिए इन दोनों गुरु और शिष्य की परंपराओं को आज भारत जीवित कर रहा है, आज भारत उन्हें जान रहा है, आज भारत उन्हें नमन कर रहा है, आज भारत उन्हें वंदन कर रहा है। एक बार की बात मुझे याद आ गई, स्वामी विवेकानंद धर्म के प्रचार के लिए जा रहे थे और उस समय उनके दो गुरु शिष्य भाई थे। उन्होंने उन दोनों से कहा कि गुरु जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, रामकृष्ण परमहंस का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उन्हें कैंसर हुआ है, तुम उन्हें देखते रहना। स्वामी विवेकानंद धर्म के प्रचार के लिए चले गए और कुछ घंटे बाद जब आए तो उनकी आंखों से आंसू आ गया। देखा रामकृष्ण परमहंस एक पात्र में उल्टियां कर रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू आया और वो अपने दोनों शिष्य भाइयों से, गुरु शिष्य भाइयों से उन्होंने बोला कि क्या कर रहे हो, उनको जाकर संभालते क्यों नहीं, उनके बर्तन को उनके पाट को पकड़ते क्यों नहीं हो। उन शिष्य भाइयों ने स्वामी विवेकानंद से कहा कि उसमें जहर है और उस जहर को हम पकड़ेंगे। स्वामी विवेकानंद दौड़ कर गए और उस पात्र को अपने हाथ में उठाया और बोले क्या तुम क्या कह रहे हो। उन दोनों ने कहा कि हाँ उसमें जहर है, कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से वो पीड़ित हैं, उसके थोड़े से कीटाणु अगर हमारे अंदर समाहित हुए तो हम भी उस बीमारी से पीड़ित होंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि पहले बताओ तुमने ये कहा क्या। उन्होंने कहा कि इस पात्र में, इस बर्तन में जहर है। स्वामी विवेकानंद ने तुरंत उस पात्र को अपने गले में उतारा और कटक लिए, बोले ये मेरे लिए अमृत है, तुम्हारे लिए जहर हो सकता है लेकिन मेरे लिए अमृत है। आज इसीलिए पूरी दुनिया रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद को जानती है, और इसीलिए स्वामी विवेकानंद विश्व परेड स्वामी विवेकानंद के रूप में आज जाने जाते हैं।